जल्दी से, देर ना कीजिएगा एक लम्हे की भी, भाग जाए यहां से। अच्छा जी, बैक टू द सब्जेक्ट। अब ना, पहले वो हमसे पूछकर बोल रहे हैं और हम उनसे पूछकर बोलेंगे ना, हम आपसे पूछकर बोलेंगे ना उनसे पूछकर बोलेंगे। हाँ, हम तुन के रख देंगे अल्लाह के हुक्म से, जहां से निकले हैं वहां तुन के रख देंगे, गर्म तेल में पुन के रख देंगे। हाँ अच्छा जी, आगे अब गौर से सुने आप। सवाल ये उठता है कि जब आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा, तसल्ली से, आज मैं बड़ा सुकून माहौल से चल रहा हूं। सवाल ये उठता है कि जब आपने किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी इच्छा अनुसार संभोग और सेक्स करने को सिर्फ इस बेस पर दंडनीय कहा कि इतने पैसे और इतने पाण और इतने रुपए और इतने बोरी चावल, इतना अनाज उनको दे दो तो बात बन जाएगी, इससे पता क्या चीज जन्म लेती है? प्रोस्टिट्यूशन। दूसरे लफ्जों में यह समझें कि सनातन धर्म ने प्रोस्टिट्यूशन की ऑफिशियली बेस रखी हिंदुस्तान के अंदर, धार्मिक बेस पर यह प्रोस्टिट्यूशन है। क्योंकि हाँ जी पिछवाड़ा जी, क्योंकि व्यभिचार या बलात्कार का पर स्त्री के साथ दंड था देश से निकालना। अगर दासी के साथ व्यभिचार करना दंडनीय होता तो देश से निकाला जाता। तू एक जगह पर मनुस्मृति का प्रमाण देता है कि स्त्री पर स्त्री के साथ अगर व्यभिचार किया जाए तो उसका दंड है, उसको जो है ना दंडनीय कर कर राजा उसको दंड करे, ठीक है, और उसके बाद देश से निकाल दे। यहां मुझे बताओ दासी के साथ ये करने पर देश से कहां निकाला गया? बता मुझे। इसका मतलब है तू ड्रामा कर, पाखंड है तू, झूठा है। मनुस्मृति के नॉर्मल महिला के साथ व्यभिचार और बलात्कार के दंड को और सजा को तूने जोड़ दिया दासी और गिरवी औरत के साथ। ये है इनकी हरामजदगी। अब आपने समझना है, ये सबसे बड़ा अर्थशास्त्र के अंदर ब्लंडर है। इसने खुद सनातन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में अर्थशास्त्र को पेश किया है। अब इसकी पोल पट्टी मैं खोलना शुरू कर रहा हूं अर्थशास्त्र से, क्योंकि इसने पेश किया। अगर ये ना पेश करता मैं ना बात करता। अब इसने पेश की, हम उस पर बात करेंगे। अब पहला सवाल, ये जो मैंने कर दिया कि दंड मिल रहा है पैसों का, इसका मतलब यह है कि जिसके पास पैसा होगा वो जब चाहेगा जिस औरत को चाहेगा पेलेगा, उसके साथ मुंह काला करेगा, उसको चार पैसे पकड़ाएगा और चलता बनेगा। ये चीज औरतों के अंदर ये हरामजदगी पैदा कर देगी और औरतों को ये प्रोस्टिट्यूट बनाएगी, ये गलत चीज करवाएगी औरत से, जो सनातन धर्म करवा रहा है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते जाते हैं इसके साथ साथ। अब ये देखें तो धन जब्त कर लिया जाए, जुर्माने के तौर पर कुछ धन वो कन्या को दे और उसके दुगना दंड सरकार को अदा करे। लो जी, अभी बड़े मजे की आगे चीजें आने लगी हैं। अभी आगे पता है क्या अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो बंदा होटल का रूम देगा ना इस ठोका ठुकाई के लिए, उसको भी पैसे देने हैं। आप इमेजिन करो कि जिस अर्थशास्त्र को ये पेश कर रहा है वो औरत की ये पिक्चर पेश कर रहे हैं कि उनके साथ सेक्स करने के लिए होटल वाला भी गवर्नमेंट को टैक्स देगा, जो मदद करवा रहा है जिसने लड़की, जो दलाल है बढ़वा है वो भी टैक्स देगा, जो कर रहा है वो भी टैक्स देगा। कम चौके रखो। सो दिस इज प्रॉपरली अ प्रोस्टिट्यूशन, प्रोफेशनली प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, गवर्नमेंट बैक्ड प्रोस्टिट्यूशन, जिसमें गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना है और आप आजादी के साथ सारे काम कर सकते हो। ये है तेरा अर्थशास्त्र ओए, ओ झोपड़ी के पछवाड़े, ये है तेरा अर्थशास्त्र, मकार आदमी। तुझे कहा था ड्रामेबाजी ना कर, इंसान का पुत्र बन। अच्छा अब देखें, ये देखें क्या कह रहा है अर्थशास्त्र। अपने आप को बेच देने वाला आर्या पुरुष की संतान भी आर्या ही समझी। लो
ये अपने आप को बेच रहे हैं। अर्थशास्त्र के अंदर लिखा है बंदा अपना रेट लगाता है, अपने आप को बेचता है, लो गिरवी रख रहा है अपने आप को। ये देखिए लिखा है, अपने आप को बेच देने वाले आर्य पुरुष की संतान भी आर्य ही होगी। लो आर्य समझियो, तुम्हें मार्केट के अंदर तुम्हारा सौदा 5-5 रुपए का मैंने पहले ही कर दिया था, 5-5 रुपए, 5-5 रुपए आर्य समाजी बेगैरत, 5-5 रुपए लो जी बेच दिया आर्य समाजी, अर्थशास्त्र में भी बेच दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते जाएं। अब इसकी पोल पट्टी खुलने लगी है, लो जी ये देख जरा डेले फाड़, ये देखो जी पेज देख ले जरा, 393, ठीक है जी 393, ये देखें दास और श्रमिक संबंधी नियम। अच्छा जी ये देखें क्या लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में, यदि ओ यदि दया ओ पिछवाड़े यदि, आ देख जरा, यदि स्वामी द्वारा अपनी दासी में संतान पैदा हो, अब ये टोरेंट से तो डाउनलोड नहीं होगी, जब तक स्वामी साहब दासी जी को उईवा उईवा नहीं करवाते तब तक संतान तो पैदा होने से रही। हाँ जी तुम्हारा अर्थशास्त्र बता रहा है। अब सवाल उठ सकता है कि जी देखें आप ठीक कह रहे हैं जनाब, आप ठीक कह रहे हैं कि स्वामी यहां अपनी दासी की ठुकाई के बाद संतान पैदा कर रहा है, मगर देखें ना जी, देखें ना जी दंड भी मिल रहा है, दंड देखना है, लो जी दंड दिखाओ, ये देखें जी जाए अगर, ये देखें यदि स्वामी द्वारा अपनी दासी में संतान पैदा हो जाए तो वो संतान और उसकी माता दोनों को दासता से मुक्त कर दिया जाए, ये दंड है, ये दंड है। इसका मतलब ये है कि जो दंड क्या होना चाहिए था, इसने क्या बोला था, मनुस्मृति दिखाकर झूठ बोला इसने, मक्कार ने मनुस्मृति दिखाकर रुचिका शर्मा को डॉज करने की कोशिश कर रहा है, ये भूल गया कि अभी तेरे बाप मैदान के अंदर मौजूद हैं। वहां मनुस्मृति दिखाता है कि अगर पर स्त्री के साथ व्यभिचार कर लिया जाए तो देश से निकाल दें, हमारे यहाँ ये चूंकि हो, सोफिस्टिकेशन चेक करो, हमारे यहाँ चूंकि ये होता नहीं था ना इसीलिए हमें लिखना नहीं पड़ा। तो अर्थशास्त्र तेरा बाप जो है तू खुद बोल रहा था 2 BC का है खोती के, तो ये उस वक्त हो रहा था, हमारे यहाँ एक्चुअली होता नहीं था ना जी। तो वो किधर गया तेरा मनुस्मृति का दंड, देश से निकालना था, उन्होंने तो कहा ठीक है ठोक दिया, ठोक दिया, बच्चा निकल आया तो बच्चा ठीक है, दास्ता को आजाद कर दो, कोई नहीं वो दास्ता से उसको मुक्त कर देंगे। मगर आगे देखें, यहीं पर बस नहीं, आगे देखें, यदि वो स्त्री सदुग्रहणी ग्रहिणी, यानी अगर सदुग्रहणी का मतलब है कि अगर उसको पैसों का फाइनेंशियल कोई इशू हो, ठीक है, तो अगर उसको उस स्त्री को डिपेंडेंट रहना हो उस दासी को, तो वो सदुग्रहणी ग्रहिणी बनकर स्वामी के घर में ही उसकी पत्नी बनकर रहना चाहे तो रह सकती है, उस दासी की माँ बहन और भाइयों को दासता से मुक्त कर दिया जाए। चलो जी वो दासी फिर भी फिर उसके पास रहना चाहे तो रह सकती है, वो किधर गया दंड, वो किधर गया देश से निकालना मनुस्मृति, वो किधर गया भाई, मुक गया रोला। ठीक है जी ये आपने देख लिया, अभी कुछ और भी आपको दिखाता हूं, ले जी अब आपने एक और, मैं अर्थशास्त्र का आपको विजिट करवाता हूं,
जिसमें यहां पर बताया गया दंड क्या है, ये बेसिकली आपने देखना है। ये अर्थशास्त्र है, सफा नंबर है 395, ठीक है। कुंवारी कन्या से संभोग का दंड, ठीक है, इसको डिस्कस किया हुआ है। कुंवारी कन्या से संभोग का दंड, ये बेसिकली अर्थशास्त्र के अंदर ही ये चीज बयान की गई है। अब आपने देखना है क्या होता है, बड़ी बड़ी मजे की चीजें हैं। ओए यार, ये मैं चाह रहा हूं मैं ना नेक्स्ट इसको रखूं, रुके जरा यार, ये बड़ी मजे की चीजें हैं, ये ना पूरे माहौल में सुनने का मजा आएगा। अर्थशास्त्र तू फंस गया है, अर्थशास्त्र से ऐसी ऐसी कथा निकाल कर तुझे सुनाऊंगा ना, और तुझसे मैंने पूछना, जो तो मेरी दाढ़ के नीचे आया ना, मैंने रखनी ही तेरे सामने अर्थशास्त्र है, या सत्यार्थ प्रकाश या अर्थशास्त्र पिछवाड़े। तो मैंने जनाब, जब तू मेरी दाढ़ के नीचे पिछवाड़े आ गया, मैंने अर्थशास्त्र खोल के तेरा पिछवाड़ा अर्थ कर देना, और या मैंने सत्यार्थ प्रकाश खोलकर तेरे पिछवाड़े पर अग्नि प्रकाश डालनी है। हाँ, ये दो चीजों में से एक चूज कर ले, इनी मिनी माइनी मो, दोनों में से। अर्थशास्त्र खोल के तेरे पिछवाड़े को इलेक्ट्रिक अर्थ कर देना है, या मैंने सत्यार्थ प्रकाश खोल के तेरे प्रकाश पर, तेरे पिछवाड़े पर अग्नि प्रकाश डालनी है। तो ये दो कामों में से एक काम मैंने करना है, तू सीधा हो जा। जैसे जैसे तू पेश करेगा, तूने स्कंद पुराण भी पेश की थी ना राम जन्मभूमि पर, हैं, स्कंद पुराण भी दिखाऊंगा तुझे मैं। हाँ, स्कंद पुराण भी दिखाऊंगा, आगे जाकर याद रख, बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ तेरे मैंने दिखाना है, तुझे ये भी मैं दिखाऊंगा। हाँ, पैसे पूरे करवाऊंगा तेरे मैं। अच्छा जी, अब यार कहने को तो बहुत कुछ है, दिखाने को भी बहुत कुछ है, इसको फिर मैं नेक्स्ट पे लेता हूँ। चलिए, ये चीज मैंने क्लियर कर दी ना आपको, मुक्त हो जाता है ना, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़वाना था। चलिए, ये पढ़ लिया, इसको मैं निकाल देता हूँ, और ताकि मुझे फिर याद रहेगा ना कि मैंने कहाँ से बात छोड़ी थी, क्योंकि उससे फिर ये होता है कि बहुत ज्यादा चीजें अगर सामने हो तो मिक्स हो जाती हैं। चले, मेरे ख्याल से यहां से शुरू करेंगे आगे से ना, यहाँ इसको दी एंड हम करते हैं, और कुछ हमारे साथ कॉलर्स मौजूद हैं, उनको देख लेते हैं, अगर वो को बात करना चाहते हैं तो उनके साथ बात हो जाएगी, ठीक है, ताकि वो काफी देर से मौजूद हैं, उनके साथ भी अन्याय ना हो। दर्पण हमारे साथ हैं जी, दर्पण भाई हैं। अच्छा, तब से बैठा हुआ है, जब लिया तो निकल गई, यह की चक्कर है। या शर्मा जी, क्या कर रहे हैं यार आप? शर्मा जी, कनेक्ट तो कीजिए। भाई कनेक्ट तो करो, तुम्हारे ज्ञान से फायदा तो लेना, हम पता तो चले। एक निकल गया है, और शर्मा जो है डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रहा, प्राइवेट चैट के अंदर टुक 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 लगा हुआ है। अब प्राइवेट चैट में क्या करूं मैं तेरा यार, मेरी जान है, मेरे चोनू मोनू, मेरे कुचू चूचू पूछू, क्या करूं, ऐसे बैठ के मैं तुझे गोटियां दे देता हूँ, उनके साथ खेलता रहा बस, ठीक है, वो जो नहीं प्लास्टिक की होती गोटियां, वो दे देता हूँ, मैं नीचे खेलते रहो। शर्मा जी शर्मा आ रहे हैं यार, निकल गए हैं शर्मा जी। हाँ, मेरे ख्याल स्क्रीनशॉट लेते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा, कह रहे हैं आमिर भाई आपसे बात करना, यार नहीं, मैं कौन सा खाता हूँ भाई, मैं तो रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, जो मुझे कहेंगे मैं सामने रख दूंगा भाई, मैं अगर कोई गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे बता दें, स्क्रीनशॉट लेने आते हैं। अच्छा, एक बार ना वो मुझे टैग किया हुआ किसी ने चैनल पे ना, मुझे यूट्यूब पे टैग किया हुआ, लगाया हुआ, देखो सनातनियों आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, दिल में यही कह रहा होगा ना, लाइव उसमें कम्युनिटी में तो नहीं लिखा था, मगर दिल में तो ये सोच रहा होगा, देखें सनातनियों आवाज़े हक भाग गया, मैं बैक स्टेज बैठा था, उसने मुझे लिया नहीं,
और तीन चार स्क्रीनशॉट लगा दिए कम्युनिटी में, और मुझे टैग करके ना तो सनातनी नीचे खुश हो रहे हैं, हा 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 देखा भगोड़ा, हमें पता था आवाज हक नहीं लेगा, हमें पता था ये तो फलाना टमकाना, इस तरह करके ना ये बात की। अब मैं टैग जब उसने किया ना, तो मैं कमेंट्स देखे, मैंने कहा यार सनातनी बड़े खुश हो रहे। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ये मुझे किसी कम्युनिटी के अंदर टैग करते हैं ना, या मुझे कोई बात बूत सुनाते हैं, तो मैं नीचे सनातनियों को जितना जोश, मुझे इतना सुकून मिलता है, मैं इनके कमेंट्स जा जा के पढ़ता हूँ। मैं ये लाइव बोल रहा हूँ सनातनियों, लाइव मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जब जब आप कम्युनिटी करते हो मुझे टैग करके, और उसके नीचे जब मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ ना, मुझे इंतहाई सुकून मिलता है। क्योंकि जो गुस्सा, जो गुबार आप मेरे ऊपर निकाल रहे होते हो ना, मुझे उससे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे उससे सुकून मिलता है। मुझे ये पता चलता है कि जो तीर मैंने चलाया था वो आपकी मोरी को उधेड़ता हुआ आगे बढ़ गया, आपके त्रोपे चीरे गए हैं और खून रिस रहा है आपकी मोरी के अंदर से, और पैंपर से भी टपक रहा है। कि जब मैं आपको शोर डालते हुए देखता हूँ, ओए अबाजे हक के खाते के, अबाजे हक को ढूंढो, पकड़ो, मारो, धोजो, फलाना करो, जो आप शोर डाल रहे होते, ओए होए होए, जो सेटिस्फेक्शन उसमें है ना, क्या आपको बताऊं, यकीन करो, यकीन करो, आप अंदाजा नहीं कर सकते, इतना आनंद, इतना सुकून। तो ये संतुष्टि है जी। तो अब मकसद कहने का ये है कि भाई मैंने जो बात की है, मैं तो भाई, मुझे आप गलत कह दो, मैंने तो रेफरेंसेस रख दी, अभी अभी मैंने और चीजें रखनी है, अभी तो और रखूंगा मैं, अभी तो मैंने शुरू किया, अभी तो स्टार्ट का पार्ट ही डिटेल के अंदर चला गया। उसके बाद फिर इनसे बात हुई बड़ी अच्छी, वो सेकुलर से, अभी तो हमने इसके सिर्फ अर्थशास्त्र की बेसिक अभी शुरू की, अभी तो मैंने आपको अर्थशास्त्र गो थ्रू करवाना है एक बार। अर्थशास्त्र के अंदर वुमेन राइट क्या है वो मैंने आपको गुजारने हैं, वुमेन राइट्स जो हैं वो मैंने गुजारने हैं, क्योंकि मैंने इसको कवर करवाना है, इसलिए ये अर्थशास्त्र आज के बाद पेश करेगा तो उसको जूते मारने हैं आप लोगों ने, इसको नोट कर लेना ताकि उसको पता चले, ये 100 बार सोचे, जैसे आजकल सत्यार्थ प्रकाश ही ना पेश करता भगोड़ा, उसको पता है कि फंस गया हूँ सत्यार्थ प्रकाश पेश करके, अब ये अर्थशास्त्र नहीं पेश करा करेगा, उसको पता चल जाएगा। तो बड़ा सोच समझ के अपने शास्त्रों को चुनो, वरना तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा एक चीज, इसके अलावा यार सनातनी ज्वाइन करें ना, मुसलमान दोस्त अपने ज्वाइन ना करें मेरे भाई। हाँ अपना ख्याल रखें भाई, थैंक यू। मुसलमान छोड़ गए, मैंने देख लिया आपके मैसेज देख लिए भाई, खुश खुश रहें, सलामत रहें। हाँ डरपोक है आमिर हक, मुझे ऐड नहीं किया, बहुत अच्छे, अब नस गया, भाग गया, क्यों यार बच्चों वाली शरारतें करते हो हैं? ओ मुसलमान आ गए, मुझे ही तंग कर रहे हो, कुतकुतारियां कर रहे हो, क्या करते हो यार, तुम्हारी मेहरबानी, सीरियस हो जाओ। चलो जी, तो यार मेरी बात सुनो, सनातनी आओ ना, लिंक दे ना जरा, लिंक दे। हाँ सनातनी इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, टेंशन नहीं, मैं बैठा हूँ, सुकून से बैठा हूँ। आओ ना भाई सनातनी हो यार, क्या हो गया? अच्छा इनको पता क्या लगता है, ये नहीं आएंगे ना। अच्छा इनको बेचारों को असल में इनको पता क्या समझ आ रही है, इन्होंने देखा हुआ है एक्स मुस्लिम्स को लंबी स्ट्रीम करते हुए सुपर चैट की वजह से, पिछवाड़ा गैंग को देखा हुआ है सुपर चैट मिल रही हो लंबी स्ट्रीम, अब उसको सुपर चैट कम मिलना शुरू हुई, उसने स्ट्रीम ही बेचारा भगोड़ा भाग गया, स्ट्रीम से भाग गया, उसने कहा यार ये तो काम खराब हो गया, सुपर चैट ही नहीं दे रहे, तो इनको लगता है वो मैं अकेला बैठ के तुम लोगों को छेड़ता रहूंगा ना सारी रात, मुझे इसमें भी सुकून है, सुपर चैट तो हमने उससे लेनी है अल्लाह की दात से, हम सुपर चैटों के लिए थोड़ी ना स्ट्रीम करते हैं, तुम्हें लगेगा कि हम तुम नहीं आ रहे तो हम बात ना, ओ भाई ढीठ है, ढीठ कौम है। हाँ ऐसे आओ ना ऐसे गैर दिलाते तो दिखवाते हैं, ये देखें ये भाई आ गए, अहम जी भाई कैसे हाँ मेरा जी, क्या खबर? हो भैया, ठीक हो मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? यार? आ ही नहीं रहे, इतनी देर से सुन रहे हो, किधर हो यार, बुला बुला के थक गया हूँ, क्या चक्कर है अरे यार, क्यों यार कर मैं रहे हो? विकास पांडे हूँ यार, मुझे याद कर रहे हाँ थे।
हाँ नहीं चलो स्ट्रीम याद सुन रहे थे करने तो आप? मैं आ गया। टॉपिक अच्छा, अभी आ, क्या अच्छा था? आप आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, पहचान आप आ लिया गए। है? हाँ जी हाँ जी पहचान लिया, मैंने पहचान लिया है, पहचान लिया। अच्छा अब ये पंडित जी अपना यार सुना है आपने, आज बात सुनी गपशप जो की हमने? हाँ, थोड़ा बहुत सुनी कि हिंदुओं में भी आपका लॉन्ड्री सिस्टम है आपका। हाँ हाँ तो अब अपना पांडे जी कहता हूँ, ये हम आपने वो लंबा नाम रखा हुआ है तो पांडे जी कह लेता आप हूँ। पांडे जी बोलिए तो ना, बोलिए आप। पांडे जी क्या आप हम क्या लोग का समझते हैं पुराना आप? परिचय। हाँ, कोई बात नहीं पांडे जी, मुझे ये हाँ बताएं बोलिए। कि आप क्या समझते हैं, आप चूंकि सनातनी हैं आपके विचार क्या कहते हैं? अमीरक जी, जी, अमीरक। अरे सर, नेटवर्क का इशू आ रहा है, एक मिनट। ओहो चलें कोई बात नहीं। नहीं मुझे तो आवाज आ रही है आपकी यार, ऐसा ना करें यार, बड़ी मुश्किल से आप आए हैं तो ना जाइएगा भाई। सुपर सुपर चैट कैसे लूंगा अगर आप भी चले गए तो? भाई सुपर चैट करें भाई, प्लीज 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 सुपर चैट करें भाई। हाँ मीरक जी, बोलिए जी, बोलिए जी, जी क्या खबर जी सर? एक्चुअली जी पंडित जी मैं कह रहा था, अगर आपने सुना है क्या तो था, आप पीछे से यूट्यूब चल जी। रहा था, अब उसके कारण ना आवाज डिस्टरबेंस आ रही थी। अच्छा, बोलिए नहीं अब सर। ठीक है, मेरे पास वैसे ठीक आ रही है जी। चलिए सही है, सही है। तो अब ये है कि अगर आपने बात सुनी है तो थोड़ा मुझे बता दें आपके विचार क्या कहते हैं, आप क्या मामला है? लॉन्ड्री सिस्टम ही गलत है यार, जो भी लिखा साला अच्छा घटिया है, हाँ जी क्या है? जो भी लिखा है घटिया इंसान है, नीच है। यार मगर पांडे जी ठीक है, आपका राइट है, आप अगर उसको जिस तरह भी क्रिटिसाइज करते हो, मगर दिक्कत यह है कि यार मनुस्मृति धर्म का शास्त्र माना जाता है यार, कितने लोग हैं जो अभी भी उसको धर्म शास्त्र मानते हैं? जैसे हीटेड जो है सर उसने अब जो बकायदा इसको देखिए प्रेजेंट आप, किया, अच्छा एक तो मिनट, ये तो आप बड़ा यहाँ पे अपमानित नहीं किसी हो भी लोग से तो जाएगा? बात नहीं यानी कर रहे ना सर, आप यहाँ से तो सिर्फ मेरे से बात कर रहे हैं, तो मेरा भी जानिए ना। मैं वो बोलता हूँ आपकी बात घटिया है बिल्कुल ठीक जो है। भी लिखा है लॉन्ड्री सिस्टम में, कि औरतों को लॉन्ड्री बनाना, उसके साथ सेक्स करना, ये सारे घटिया चीजें, निचता वाला चीज है, मैं कंडम करता हूँ सर। मगर ये यार मगर ये है कि ये मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि आप उनको स्लेव बना तो सकते सर हैं। का ही भी लिखा हुआ हो, मैं उसको कंडम करता हूँ, घटिया बोलता हूँ कि जो भी लॉन्ड्री सिस्टम बोलता है कि लॉन्ड्री से सेक्स करना, खरीदना बेचना, माल गनीमत में लाना, चाहे किसी के यहाँ युद्ध करके उसकी औरतों को लेना, ये जिसने भी लिखा है वो घटिया है यानी इवन आप सनातन धर्म को बोल, यार मुझे यकीन सर। नहीं पांडे जी आ इवन रहा, मुझे विश्वास एग्जैक्टली नहीं आ सर, रहा। इवन इवन अगर वहां लिखा है तो वहां भी घटिया है, इवन जहां कहीं भी लिखा है सर, इवन जहां कहीं भी लिखा है, वो सब लोग घटिया है, ये घटियापन वाला चीज ओहो लिखते हैं सर। यानी इवन इवन श्री कृष्णा को आप यार बोल रहे हैं, ये बड़ी सर दिक्कत है पांडे इवन जी। हर कोई जिस जिसने ये लिखा है, जिस जिसने लिखा है सर, या आप सब यानी घटिया है। आप पांडे जी आप पक्के सनातनी हो वाकई यार? क्योंकि मुझे कंफ्यूज हूं मैं। अब सर देखिए, आप कंफ्यूज हो, मैं क्या कर सकता हूँ अभी। अमीर नहीं जी मुझे ये नहीं, कल बताइए। को ये कोई ना कहे, क्योंकि देखो आप तो मेरे पास आते रहे हो, मुझे तो पता है, मैं तो पहचान देखो गया आपको, मगर दिक्कत ये है कि हाँ, ये ना हो कोई सनातनी देखे वो कहे ये जी प्लांटेड बंदा था, ये तो सनातनी है नहीं, ये सनातन धर्म को अगर घटिया बोल रहा है ये मैं भी बात वो कर। बोले, उसका अपना आइडियोलॉजी। देखिए मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि वो बंदा है जो अगला इसको मानता सही, वो आए आपसे बात करने, आप यहाँ अभी मेरे से बात कर रहे हैं सर, तो मैं अपना व्यू रखूंगा। वो ठीक है मगर एक सनातनी श्री कृष्णा को घटिया, श्री राम को घटिया, या उसको सर क्या से कहते हैं मैंने कहा कि मनुस्मृति मैंने को, मनुस्मृति को घटी, किधर गए किधर गए मनु जी को घटिया, अपना दूसरा उसको क्या उसे कहते हैं यार, क्या उसका नाम है, जितने पुराना है उनको घटिया। यार ये तो काम खराब हो गया ना, ये तो सारे घटिया बोल दिया अपने, सनातन धर्म को घटिया। यार ये मेरे पास नहीं, अपना ऐसे नहीं करें यार पांडे जी, मैं सनातन धर्म का इतना अपमान मैं नहीं सुन सकता। सीधी बात है मेरे पास अच्छे लोग भी आते हैं, आपने सबको पकड़ के घटिया बोलना शुरू कर दिया यार, ये कल को मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का केस बना देंगे, ये कहेंगे देखो ये प्लांटेड बंदा था पांडे, एक वो पांडे है वो भी गया था उधर उसके पास बेचारे वो हिस्ट्री आर्कियोलॉजी के पास, उधर जाके उसने सनातन धर्म पर तबाही फेर दी थी। यार ये गलत बात है यार, मैं कैसे लूं पांडे जी को? पांडे जी वापस आए हैं।
अच्छा एक भैया है वो कह रहे हैं ये रियल है, ये सही, ये वो कह रहे हैं कि ये करते रहते हैं ब्लास्फेमी सनातन धर्म की ना, ये दूसरे चैनल पे भी जाते हैं तो ये बोलते रहते हैं। एक बार मैंने बोला ये आप सही कह रहे हैं, आप दूसरे चैनल पे भी जाके ये सनातन की ब्लास्फेमी करते हैं पंडित जी। आमिर जी मुझे बैकस्टेज क्यों किए थे यार? मुझे नहीं पता चला, मैं तो आपको सुन रहा था, आप गायब हो गए हैं, तो फिर मैंने आप बोलना मुझे शुरू कर बैकस्टेज दिया। करके सुन रहे थे? अरे यार यार कमाल हो गया, ये आपका गणगौर खुद जी नेट, कैसे आ गए आपने इसकी खुद बैंड बोला में? नेट अरे डिस्कनेक्ट है, थोड़ी देर पहले आपने बोला आपका नेट उसके डिस्कनेक्ट बाद तो हुआ है। मैंने बात की आपसे। वही तो बोल रहा हूँ, अभी फिर कट रहा है, फिर बात अरे कटी है। सर रमजान का मेरे पूरा फायदा उठा रहे हो आप ईद मनाने का? ये कौन बहुत सा हरकत अच्छे, है सर? बैकस्टेज करके बहुत बात अच्छे। करते जा रहे हो, मैं वेट कर रहा नहीं हूँ नहीं नहीं आपका। पंडित जी देखें, पंडित कब जी मेरे देखें, अमीर भाई अभी अब आपकी आवाज, अमीर सर अभी मुझे आपकी आवाज ठीक आ रही है, इससे पहले आपकी आवाज चली जाए तो मैं बोल दूं। यार देखें मैं जो भी बात करता हूँ ना प्रमाण के अनुसार करता हूँ, इसलिए जी मैंने जी कभी सनातन धर्म के बारे में कोई गलत बात नहीं की। मगर ना आप ना ना डायरेक्ट ना जो ना सनातन धर्म को घटिया या गाली गलौज कर रहे हैं ये ठीक नहीं सर, है, मैं तो बोल ये रहा हूं सही। कि जो जो लॉन्डिया सिस्टम रखा हो, जिसने जहां लिखा हो वो सब नीच है, दुराचारी है, पापी है, उल्टा है, कर्मजली है, निर्लज है, वो सारे नीच है। यानी अब इवन मेरा श्री वही, कृष्णा, इवन श्री कृष्णा, इवन जिसने भी लिखा है सर, इवन जिसने भी लिखा है वो सारे नीच यानी लोग हैं, जो यानी यानी बोलते ये जो हैं है, कि दूसरे यानी कलयुग श्री में कृष्णा, करो फिर इसका उनकी मतलब ये है कि श्री औरतों को, कृष्णा उनकी औरतों श्री, को। बीच में ना ना बोल कुत्ती के पुत्र, बीच में क्यों बोलता है। यानी श्री कृष्णा ने यार 16,108, एक आध भी नहीं। यानी तुम ये कह रहे हो कि श्री कृष्णा 16,108 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू घटिया, यानी इस तरह कह रहे हो। मैं क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ ना आपकी बात पे। तो यानी श्री कृष्णा 16,108 मल्टीप्लाई बाय घटिया, ठीक है भाई मेरी बात, मुझे समझाओ भी तो सही ना। मैं तो अभी तक तुम्हारी इस चीज को कंसीव भी नहीं, समझ भी नहीं पा रहा हूं कि तुम ये बात क्या कर रहे हो। एक सनातनी ये बात कर सकता है कि श्री कृष्णा घटिया आदमी था, ये कैसे पॉसिबल है। एक आदमी ये बात कर सकता है कि जनाब महाभारत के अंदर जो बातें की गई हैं वो घटिया बातें हैं, सनातन धर्म घटिया धर्म है, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। यार ये क्या हुआ है राम भक्तों के साथ, क्या तो इनका तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। यानी राम भक्तों की तो मैया दीदी होगी हुई है यार। देखो यार, अब देखो श्री कृष्णा बेसिकली एक दासी सिस्टम के अंदर से निकला हुआ है श्री कृष्णा। इन्होंने श्री कृष्णा को घटिया बोल दिया, ये याति का बच्चा था ना यादव, उसी के क्लैन से आ गया श्री कृष्णा। यार देखो यार मैं हैरान हूं, नहीं भाई नहीं ऐसे नहीं, ऐसे निंदित लोग हमें नहीं चाहिए भाई यहाँ पर। सॉरी भाई पांडे जी रियली सॉरी यार। नहीं नहीं मैं तोबा तोबा, मेरे ये कान सुन नहीं पा रहे कि आपने जितने देवी देवता हैं उनको घटिया, निर्लज, पापी, धूर्त, दुष्ट और जनाब मूर्ख, पाखंडी, बलात्कारी और जनाब शराबी, कबाबी, जुआरी और कुछ और भी बोल रहा था हिंदी के अंदर, क्या बोल रहा था है? क्या कह रहा था, क्या है? क्या बोल रहा था, मंदबुद्धि, क्या बोल रहा था, मूड, कुछ ऐसा करके उसने बोला है कुछ देवी देवताओं के बारे में मेरे ख्याल से। हाँ हरामी, नहीं नहीं हरामी नहीं बोला, अपनी तरफ से ना ऐड करें यार, हरामी नहीं बोला उसने। नहीं, जो बोला है वो मैं बोलूंगा ऐसे नहीं। हाँ निर्लज, हाँ निर्लज उसने कहा है, बलात्कारी बोला है, नीच कहा है, पखंडी कहा है, धूर्त कहा है, मूर्ख मूड कहा है, हाँ ये उसने कहा है श्री कृष्णा को, श्री राम को, मनु जी को और जनाब जिन जिन्होंने शास्त्रों के अंदर ये सारी चीजें लिखी हो। हाँ बेशरम, बेशरम भी कहा था, यस बेशरम, मलीच भी कहा था, यस मलीच भी कहा, मलीच बेशरम कहा। हाँ भाई पांडे जी मजा आया है, चाय सारी पर आ जाओ भाई, आ जाओ सरस्वती हो नेक्स्ट।
आजा भाई जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। आज मैं